है, मन को कष्ट होता है और सड़क बननी चाहिए। ये जो फॉरेस्ट विभाग वाले हैं, इन्होंने बहुत मनमानी की है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, हमसे भी बीच में आकर दो चार बार किसी ने बोला नहीं, अगर बोला होता तो मैं भी उस काम में लग जाता हूं। एक आध बार राहुल जिक्र किए और हमारे बैठे हैं रामायण भाई, आप और राहुल को जिम्मेदारी ले लीजिए, मेरे पास मेरा दिमाग खा जाओ, मैं पूरे समय लग करके अगर कोई अधिकारी का कार्रवाई करवानी तो कार्रवाई भी करवाएंगे, और मैं वादा करता हूं मतवार वालों को बता दो, डेरा डाल दूंगा और मतवार में सड़क बनवा के रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। एक बार विश्वास भरोसा करो, नहीं मतवार के लोग अगर वोट नहीं डालोगे तो उन्हें बेइज्जती तो हमारी भी होगी। कह रहे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, सांसद है, वहां के लोग वोट नहीं डाल रहे, आप क्या ही नहीं डाल रहे वोट, तो हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं वादा करता हूं कि पूरा के लगन के साथ एक बार हम लग जाएंगे तो कोई माइक अलाउड रोक नहीं सकता, जो भी बाधाएं होंगी दूर करेंगे और सड़क बनवा के रहेंगे और 6 महीने के अंदर सड़क का काम शुरू होगा, ये मैं कहता हूं। अब आप लोग आना मेरे यहां शुरू करो, आके दिल्ली में रहो, जगह आपको मैं बुकिंग करा दूंगा, घर पे रहो, होटल में रहो, लेकिन जब तक सड़क का काम शुरू ना हो जाए तब तक दिल्ली आके डेरा डाला पक्का, बाकी नहीं बताऊंगा। वही आए कर रहा तू गांव वालों का गारंटी था और हम सड़क बनवाओ क्यों रोक नहीं सकते। जितना दुख समाजवादी पार्टी का पौधा जो मैं उन्होंने लगाया था, शिवपाल ने जिसमें पानी डाला था, उस समय ये ऑस्ट्रेलिया में मटर गश्ती कर रहा था, इसने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट देने की ताकत को छीना है। ये इसने वही काम किया है जो मुगलों के लड़कों ने अपने बाप को कुर्सी से हटाने का काम किया था। इसलिए अखिलेश यादव, टिकट तुम्हारे हाथ में है, टिकट तुमने ले ली, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ यादव लैंड में, जहां 1,60,000 उनकी कुटुंब के लोग रहते हैं, अगर उसने पिक एंड चूज करके वो सीट को चुना है तो मेरी टिकट कोई जिला अध्यक्ष ने नहीं दी है, मेरी टिकट मुझे फिर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अरुण सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मनपसंद नेता को करहल के सामने दो दो हाथ करने के लिए चुना है। तो ये यही है कि दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हम खानदानी लोग हैं, एक अपमान नहीं भूलना चाहिए और एक अपने ऊपर एहसान नहीं भूलना चाहिए। जो राजू पाल की 2004 में विधायक बना था, पूजा पाल के हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी, और जब उनका हाथ सेफई वालों का अतीक और अशरफ के पीठ पर रहता है तो राजू पाल की हत्या की जाती है। अगर आज वो जिंदा रहता तो पूरब का शेर कहलाता, शायद मेरी जगह हेलीकॉप्टर में वो आता और पश्चिम को मैं देखता हूँ। ये बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है। इसके बाद बघेल के वंश की बेल को 6-6 बार जीत करके जो मैं बढ़ाने का काम कर रहा था, 15 तारीख को इन सेफई वालों ने जो जानलेवा हमला करने का काम किया है, ये CISF के कमांडो नहीं होते तो मैं मारा जाता। मैं यहाँ यही पर गरीब कुचले शोषित पीड़ित आदिवासियों से भी कहना चाहूंगा, पाल समाज से तो इसलिए कहना ही चाहूंगा कि आपकी नसों में बहते हुए खून और मेरे नसों में बहते हुए खून की केमिस्ट्री एक है, हम दोनों अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, इसलिए पाल बघेल के वंश को नाश करने के लिए राजू पाल की हत्या और SP सिंह बघेल की हत्या करने का प्रयास अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है तो यहाँ पर उनका वंश नहीं चलना चाहिए, अगर आप अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। अपना दल के पाल साहब आए हैं, प्रत्याशी अपना दल का है, हमारे पार्टनर हैं अनुप्रिया जी, और हमने साथ साथ शपथ ली है, क्रम भी हमारा आगे पीछे था, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कपलेट जो चुनाव चिन्ह है इसमें तब तक दम नहीं है जब तक मोदी की चाय इसमें ना पड़े, और मोदी की चाय में भी तब तक दम नहीं है जब तक पालों का दूध उसमें ना पड़े, इसलिए यहाँ पर कप प्लेट में मोदी की चाय और मोदी की चाय में जब पालों का दूध पड़ेगा तो ऐसा स्वाद निकलेगा कि 10 तारीख को होने वाले रिजल्ट में यहाँ पर जो कप प्लेट है वो स्वादिष्ट चाय से भरी होगी जिसकी महक लखनऊ और दिल्ली तक आएगी। यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ।